बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह खैरियत से होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का भी लोग करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आज रात ना हमारे गांव में बारिश हुई है, हमारे इलाके में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। अल्लाह की रहमत हो गई है। काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन ना 1.5-2 माह के बाद ना हमारे इलाके में ना बारिश हुई है और काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी बारिश हो गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब ना गर्मी का ज़ोर भी टूट गया और हमारी भैंस और स्वीटी ने रात खूब नहाया है माशाल्लाह। ये देखें, अब इसके नीचे कीचड़ भी हो गया है। स्वीटी ने ना अपना मुंह भी गंदा किया हुआ है और भैंस का मुंह बचा हुआ है, लेकिन पीछे से ये गंदी हो गई है। अब मैं ना इन दोनों को चारा डालने लगा हूँ। स्वीटी हमारी ने ना किले के इर्द गिर्द घूम कर ना ये देखें क्या हाल बना लिया है। ये इसी वजह से लगी हुई है कि मुझे चारा डाल दिया जाए। तो अभी डालते हैं जी चारा। अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखें, इधर पानी खड़ा हो गया है इस बाज़ार में और यहाँ पे हम भैंस को बांधते हैं तो यहाँ पे भी ना ये देखें कीचड़ हो गया है। और ये शुक्र है कि बारिश ना खुल के हुई है। अगर खुल के बारिश ना हो ना, आहिस्ता आहिस्ता हो, तो ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। और अगर बारिश खुल के हो तो हर शहर ना साफ़ सुथरी हो जाती है, बाज़ार साफ़ हो जाते हैं गाँव में। ये जो गोबर की पाथियाँ थी ना, ये रात बाहर ही रही हैं और ये अब ना गीली हो गई हैं। ये देखें, एक बोरा ये और एक ये दो थैले। इनको रात अंदर रखना था तो हमने ना इनको देखा ही नहीं। अब धूप लगेगी ना तो इनको दोबारा सुखाना पड़ेगा। अभी जी बकरियों के हालात देखते हैं। ओहो हो, ये पानी कहाँ से आया? ये जो बकरियों का कमरा है ना, इसकी छत के ऊपर ना मेरा ख्याल है कि पानी खड़ा हुआ है। ये देखें, परनाले के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी आ रहा है। इसके आगे ना कोई चीज़ आई होगी। अभी ऊपर जाके चेक करते हैं और इसे साफ करते हैं ताकि पानी जो है वो छत से नीचे आ जाए। और ये पानी पता नहीं कहाँ से आया, इधर से आया है मेरा ख्याल। और ऊपर से शुक्र है कि पानी टपका नहीं छत से अभी तक। जुफरा पानी में खड़ी है। जुफरा आओ तो मैं ना उधर बांध लूँ, अगर बाहर आना है तुमने तो। इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। टिम ना छेड़ो से, ना सताओ। टिम जुफरा को सता रहा है। अभी उसके नीचे दूध कोई नहीं रहा। बस अभी जाते हैं जी ऊपर और प्रणाले को ना साफ करते हैं ताकि पानी नीचे आए जल्दी जल्दी। ये देखें दोस्तों, ये पानी इधर कितना जमा हो गया है। ये इधर कीकर की ना फलियां वगैरह गिर गई हैं और इससे ना सारा गंद पड़ गया है और प्रणाला भी हमारा ये देखें बंद हुआ पड़ा है। अभी इसको साफ करते हैं जी। ये देखें पानी चलना शुरू हो गया। ये देखें, थोड़ी सफाई करके ना मैं नीचे आ गया हूँ। अब पानी ना खुद ही नीचे आ जाएगा सारा। अभी दोस्तों इधर पता नहीं क्या हुआ है, जैसे किसकी दीवार नहीं गिर गई। पहले तो मैंने सोचा कि हमारी दीवार गिरने वाली है ना। ये देखें, यहाँ से ना फटी हुई है, ये गिर गई है। लेकिन मैंने आकर देखा तो हमारी बचनी हुई थी। शुक्र है ये ना साथ वालों की गिर गई है। ये भी शुक्र है कि दीवार ना बाहर को गिरी है, अगर अंदर को गिरी तो कोई चीज़ नीचे आ जानी थी। किसी चीज़ वगैरह का नीचे आने का ज़्यादा खतरा था। मेरा ख्याल है पानी अब ना सारा निकल गया हुआ है। तो रात तकरीबन 2 घंटे बारिश हुई है। एक तो बहुत देर के बाद हुई है और दूसरा ना बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे गाँव पे इतना मालूम नहीं हो रहा, लेकिन मट्टी बहुत बह गई है। यहाँ से कच्ची जगह थी और बाहर ना फसलों में ना पानी खड़ा हो गया होगा। अब ना अल्लाह की रहमत हो गई है तो ऊपर से अब ना बारिश आए, अब धूप निकल आए तो बेहतर है। दोस्तों अभी अभी ना मैंने भैंस को ना नहला दिया है, बहुत गंदी हुई पड़ी थी ये देखें, क्योंकि बारिश की वजह से ना यहाँ पे बहुत कीचड़ मच गया हुआ था। अब ये ना थोड़ी सी सफाई कर लें, यहाँ से गारा हटा लेना पीछे।
अभी स्वीटी को आज नहीं नहलाना, इसको मैंने ना बस पानी ही रखा हुआ है। इसके नीचे से भी ना कसी के साथ ना सफाई कर लें, फिर भैंस को भी बाहर बांधते हैं। बांधने के बाद ना एक चीज मैं लेके आया हूँ, वो भी आपको दिखानी है, बाद में आपको ना दिखाता हूँ। थोड़ी बहुत मैंने ना सफाई कर दी है और अब धूप लगेगी ना, फिर ये जगह अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी, क्योंकि ये कच्ची जगह है यहाँ पे। तो भैंस को बांधते हैं फिर बाहर। तो भैंस को दोस्तों मैंने बांध दिया है, अब मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूँ जो आपको मैंने पहले भी बताया है। दोस्तों ये है अली हसन और ये है शबीर, और ये ना अपनी मुर्गियां लेके आया हुआ है वीडियो बनवाने के लिए। छोड़ो हाँ, ये कौन सी नस्ल असील है, ये देखें, ये एक ये मुर्गी लेके आया है और ये मुर्गा भी माशाल्लाह, ये मुर्गा चेक करें जी माशाल्लाह। हमने ना अपनी मुर्गियों के साथ ना इनको छोड़ दिया हुआ है। ओह ये तो लड़ने लगे, छोड़ो छोड़ो इनको, पकड़ो पकड़ो। दोस्तों ये जो मुर्गा है ना, ये हमारे मुर्गे दरवेश के साथ ना लड़ने लग गया, इसको अब छोड़ना मत। ये छोटी छोटी अभी पट्ठियां ही हैं, ये बड़ी है, अंडे देती है क्या? अच्छा तो इनको अंडों पे बिठा दो, चलो उधर दरवेश, चलो तुम्हारा काम लड़ने वाला नहीं है, तुम दरवेश हो दरवेश। इसको ना अब यहाँ पे हमने बांध दिया है क्योंकि ये थोड़ी देर में चला जाएगा। तो पहले मैंने आपको ना अली हसन की मुर्गियाँ दिखाई और ये हम ना लेके आए हैं एक कबूतर, किसी दोस्त से लेके आए हैं, अभी एक ही है। ये दोस्तों मेल है, कबूतर है, और हम ना इसके साथ एक और कबूतर लेके आए थे, वो अभी ना बच्चा था, तो ये उस कबूतर को ना बहुत मारता था, तो इसलिए हमने ना उसको वापस कर दिया, वो अभी ना दाना भी नहीं उठाता था। इसके लिए ना हम कोई कबूतरी ढूंढेंगे तो इनका ना जोड़ा मिल जाएगा, हमारी कोशिश है कि इसके साथ ना कोई वाइट कबूतरी हमें मिल जाए बस। वाली हसन चेक किया कैसा कबूतर, चंगा साहब का रंग लग गए, इसको कट कर देना है हमने, कट नहीं करना, इसको घर जगह आके डालो, नहीं नहीं उड़ाना नहीं है, चेक करवाओ इसके रंग तो नहीं लगा, लगा मारा मारा, परों को खोलो खोलो, मारा मारा लगा, देखो उड़ा ना देना उसे, कट नहीं किया, अब देखो ये मारा मारा है, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है जी कलर, दोनों पना लग गया, मैं दसा खोलो, इधर इधर भी लाल, इधर भी लगा हुआ है लाल, इधर काली पूंछ लगी। तो अभी दोस्तों इसको हम ना इस खुड्डे के अंदर बंद कर देते हैं, खोलो मोइज़, इसको दाना पानी डाला है, ये पानी हमने कप में रखा हुआ था तो दाना भी इसे खिलाया हुआ है, अब ये ना अकेला रहता है और उदास सा है, अभी इसके साथ ना बस एक कबूतरी मिल जाए। आपने कहाँ से ली? मैं अपने मामू को, कालू ने फड़ी है, कालू को फड़ी है और देर नहीं दिया, उन्होंने कल फड़ी है देर नहीं दिया तो उन्हें कल ही अंडे कट दे। अच्छा चलो कोई नहीं, हम कोई इसके साथ ले आएंगे, फड़ लेनी ऐसी हो गई। तो दोस्तों आपको अली हसन की मुर्गियां और हमारा कबूतर कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताएं। अभी हम ना कबूतर भी रखेंगे और मुर्गियां भी हमने और लेनी है, हमारा भी इरादा बन गया है कि यहां पे ना छोटा सा हम पेट हाउस बनाएं और उसमें ना परिंदे वगैरह रखें। तीन जाने बस, शबीर अली हसन ते आदल, ठीक है हम तीनों वीडियो बनाया करेंगे, आप भी वीडियो में आ जाया करना। आपके पास कितने कबूतर हैं? मेरे पास तीन लक्के, एक दो लक्के कबूतर ते कबूतरी लक्के। शबीर के पास भी दो लक्के कबूतर हैं, हम लक्के भी रखेंगे और भी नस्लों के रखेंगे, पहले थोड़ी सी ना यहाँ पे जगह बना लें, हम यहाँ पे कोई केज वगैरह बनाएंगे, जब काम शुरू करेंगे ना पहले इनका घर बनाएंगे फिर बाद में हम। भाई जी मैं अपने घर रखे अर्शा छोंकना सील कुकड़िया दिल नहीं करता वा रखे हूं एक बार का कबूतर बैठा मैं फाड़ लिया, इसको छोड़ दो, चलो अपनी मुर्गियाँ उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं थोड़ा सा अपना सेटअप बना लूं फिर तुम्हारी मुर्गियां मैं रख सकता हूं अपने सेटअप पे, रखी रखी ठीक है, फिर हम ना अंडे भी कर दे उन्हें, छोटना अंडों को भी बिठाएंगे असील को, ठीक है प्रो लिया नहीं देंगे यार भाई, अब आपकी मुर्गियां अंडे नहीं देती, दो बारी झोली देती तीसरी बारी मरकवांग देनी दे कुकर ही नहीं है। चलो अब मुर्गियां पकड़ो अपने, इतना इनको देख के फुल मच्छर गई हुई है, अब कैसे पकड़ेंगे वो भैंस से, बचो कीला ना तड़वा ले, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ले जाओ ऐसे पकड़ कर ले जाओ, इधर से फेंकने लगे हो, फेंक दो फिर,
दोस्तों अली हसन ना अपनी मुर्गियां ले गया है, मैंने कहा इसे ले जाओ फिर हम कोई जगह वगैरह बनाएंगे ना तो फिर इनको रखेंगे। हमारे पास 3 केज पड़े हुए हैं, 1 में कबूतर है और 2 में मुर्गियां रहती हैं हमारी छोटी और बड़ी, तो कोई इनके लिए जगह बनाए ना और जो हमें मिला ना हम वो परिंदा रखेंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अगली नवी वीडियो तो मिलेंगे, नाले नवे कुकर लाल वीडियो बनावांगे।